वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है हनी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ और ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ जिसका इंतज़ार 21 लाख स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान वालों को तो था ही, उसके साथ ही उनके पेरेंट्स को भी था। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं राजस्थान बोर्ड के, वो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उनको इंतज़ार था कि उनका जो रिज़ल्ट है वो किस बेस पर बनेगा, और फाइनली उसका जो फॉर्मूला है वो आ चुका है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं समझ सकती हूँ बच्चों के दिमाग में। रिज़ल्ट का फॉर्मूला आपके सामने है, सारे न्यूज़पेपर्स में ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो उनके माइंड में हैं, और वो किस तरीके के क्वेश्चन हैं और उनका आंसर क्या होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी बातों से पहले मैं आपको अवगत करवा देती हूँ, तो वो बातें हैं जैसे कि किस बेस पर आपका रिज़ल्ट बनेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, लास्ट के 2 ईयर्स के रिज़ल्ट के बेस पर आपका रिज़ल्ट बनने वाला है। सो अगर आपका रिज़ल्ट इस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम का अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा वो आपके पूरे तरीके से तो नहीं, बट हाँ हम कह सकते हैं कि पीछे के जो 2 साल है आपने एग्ज़ाम दी है, यानी 10th वालों के लिए 8th और 9th एंड 12th वालों के लिए 10th और 11th के बेस पर मार्क्स की जो है वो आपका कैलकुलेशन होगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि अगर इस मार्क्स से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप इस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट का फॉर्म भी कुछ लोग भरते हैं, तो प्राइवेट वालों के लिए एग्ज़ाम होगा। ये जो प्रोसीजर है मैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 10th क्लास का बता देती हूँ कि क्या होगा। 10th क्लास के लिए एक रेशियो जो है वो डिसाइड किया गया है जिसके आधार पर आपका रिज़ल्ट बनेगा। तो वो रेशियो है 45:25:10:20। इट मीन्स कि 2 साल का रिज़ल्ट यानी 45% मार्क्स आपको मिलेंगे 8th बोर्ड के आधार पर, और 25% मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे 9th क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, और बाकी बचे हुए 10th और 20 का क्या होगा। 10% मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, और वो हैं पूरे 10th के जो भी आपने परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि आपने क्लासेस कितनी ली हैं, आपका जो अटेंडेंस है वो कैसा रहा है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है, वो स्कूल पर डिपेंड करेगा। और बच्चे भी 20 मार्क्स जैसे पिछले साल मिलते थे वैसे ही इस साल भी मिलेंगे, जिनको सेशनल मार्क्स बोलते हैं। इट मीन्स कि सब कुछ प्रोसीजर वैसा ही होगा। वैसे क्या होता था कि 80% मार्क्स का पेपर होता था और 20% मार्क्स स्कूल से जाते थे, लेकिन इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। 20% मार्क्स आपको जो मिलते थे वो एज इट इज़ मिलेंगे, और बाकी के 80% का मार्क्स का है जो वो पूरा डेटा बन चुका है। इसी तरीके से 12th का भी होगा। 12th में किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 12th का जो फॉर्मूला है वो है 40-20-20-20। इट मीन्स कि आपको 10th क्लास के 40% मार्क्स मिलेंगे, और 20% मार्क्स 11th के, और 20% मार्क्स जो स्कूल की पूरी परफॉर्मेंस आपकी चली है, और 20% सेशनल जो आपको मिलते हैं वो एज इट इज़ मिलेंगे। अब बात आती है 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स की। तो 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स को लेकर क्या होगा। 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स अगर आपके मोस्टली स्कूल में हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो वो होंगे। प्रैक्टिकल्स को लेकर बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है, प्रैक्टिकल्स तो एज इट इज़ होंगे, जैसे होंगे उसके मार्क्स ही आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि ये मार्क्स जो भी हैं वो कौन बनाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये मार्क्स स्कूल के लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, वो ही ये तय करेगी। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रिज़ल्ट आ गया, अब कोई बच्चा कहता है यार हम तो सेटिस्फाई नहीं हैं हमारे रिज़ल्ट से, तो उसका क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से पेपर दे सकते हैं, पेपर्स होंगे अगस्त में होंगे। उसके बाद भी रिज़ल्ट सप्लीमेंट्री आ गया, ये जो मार्क्स बने हैं सप्लीमेंट्री आ गया, तो उसमें आपको उस केस में बता दूँ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आपको सप्लीमेंट्री का पेपर भी देना होगा आपको।
और प्रैक्टिकल्स किसी भी स्टूडेंट ये कोई भी स्कूल वाले हैं जो वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए गए हैं उनके, तो प्रैक्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, प्रैक्टिकल्स में कोई छूट नहीं दी गई है। और उसके बाद भी एक मेजर कंफ्यूजन है जो वो बच्चों के माइंड में है। तो वो मेजर कंफ्यूजन क्या है, जैसे कि टेंथ का मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। टेंथ में आपने 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। टेंथ का मैं आपका एक ले लेती हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे ट्वेल्थ का रिज़ल्ट बन रहा है तो उसमें टेंथ और इलेवेंथ के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो अब बात आती है कि पूरा ओवरऑल परसेंटेज में के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और अच्छे मार्क्स को भी उसमें कंसीडर किया जाएगा, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे करके, मतलब एक फॉर्मूला है ये, इसके आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं है, सबको अच्छा ही मिलेगा, सबको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो प्लीज़ आप घबराइए मत और रिज़ल्ट का वेट कीजिए, और रिज़ल्ट के लिए भी ज़्यादा दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, 45 डेज़ में ये रिज़ल्ट जो है वो आपके हाथ में होगा। सारी चीज़ें जल्द से जल्द करवाने की जो है वो दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है शिक्षा कमेटी की तरफ से। सो स्टे ट्यून्ड, रिज़ल्ट का वेट कीजिए आप और होप फॉर गुड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जा पाए। थैंक यू सो मच।